सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। नमस्कार, मैं सपना भादुड़ी कोलकाता से बोल रही। बाबा का बवाल देखना है तो वीडियो पहले से एकदम लास्ट तक आप लोग को देखना है, और जितना हो सके सबको पास शेयर कर दीजिए। देखिए, हम लोग को पता है 2014 से 2023 तक अभी जो जो घटना मेरा भारत में हुआ, इसके लिए पूरा जिम्मेवारी है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। ये बात मैं क्यों बता रहे, सबको मालूम है भारतीय जनता पार्टी जितना दिन से इन लोग सत्ता में आया, उतना दिन से मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम ये वो मतलब ये वो कर रहे, सबको हम लोग का मालूम है। मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, जो कुछ दिन पहले जो इलेक्शन गया, जो राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का जीत मिला, जयपुर का, राजस्थान का जयपुर जो सिटी है, जयपुर का जो एमएलए साहेब है जिसका नाम है बाल मुकुंद आसारिया, इनको इतना मतलब मालूम नहीं है जो जनगण का सेवा कैसे किया जाता है। कोई बात नहीं है, इन लोग मतलब जनगण का ये वोट से जीते और आपको वो ईवीएम मशीन हैक करके जीते, कोई प्रॉब्लम नहीं, जीत गया, ये हम लोग को सबको मालूम है। लेकिन बात है क्या, एमएलए साहब जो होता है जो विधानसभा का, उनका जिम्मेवारी रहता है पूरा विधानसभा का देखभाल करना, ये हम लोग को मालूम है। लेकिन कभी भी हम लोग ऐसा देखा नहीं जो कोई एमएलए साहब खुद हाथ पे आयन ले लेता है। ये मैं ये बात क्यों बता रहा है, जिस दिन चुनाव में जीत मिला बीजेपी को राजस्थान में, जयपुर का जो न्यू एमएलए साहब है जो बाल मुकुंद आसारिया, इन्होंने किया बोला, फोन लेकर पब्लिक प्लेस में खड़ा होकर धमकी दे रहा है, हुमकी दे रहा है सरकारी अधिकारी को, किया बोला जो मेरे को शाम तक रिपोर्ट चाहिए, जो जो इनलीगली चिकन का शॉप हो, मटन का शॉप हो, सबको मेरे को रिपोर्ट चाहिए, ये हम लोग को पूरा बंद करना पड़ेगा, ये चिकन शॉप हो, मटन शॉप हो, क्यों इन लोग इनलीगली काम कर रहे हैं। और आप मेरे को देखने का जरूरत नहीं जो कौन अधिकारी जाएगा, कौन अधिकारी करेगा, मेरे को देखने का जरूरत नहीं है। और वो एमएलए साहब को साथ बहुत सारे राम भक्त मतलब बहुत है, मतलब जय श्री राम का ये नाम पे जो लोग हमारा वो भारत में लड़ाई बताता है हिंदू मुस्लिम को, उसका बाद जोर जोर से नारा लगा के मतलब उन लोग खुद सोचता है जो उन लोग के ऊपर में कोई हिंदू दुनिया में नहीं है। और एक बात है, एक एमएलए साहब जब ऐसा बात बता रहे तो हम लोग को ऐसा लग रहा है जो राजस्थान का जयपुर का जो पब्लिक है, जो विधानसभा से उन्होंने जीता है पब्लिक का वोट लेके हो और ईवीएम मशीन हैक करके हो, जैसे भी हो जीत गया, तो वो पब्लिक अभी सोच रहा है जब दो दिन भी नहीं हुआ अभी ऐसा डॉनगिरी दिखा रहे, दादागिरी दिखा रहे, गुंडागिरी दिखा रहे, बवालगिरी दिखा रहे। देखिए मैं लेकिन बवाल मैं खुद नहीं बोल रही, एमएलए साहब जो है बीजेपी का बाल मुकुंद आसारिया, उन्होंने किया बोला, देखो चिकन शॉप का दुकान में जाके बोला, मटन शॉप का दुकान में जाके बोला, जब देखो हम बाबा है लेकिन बवाल है, हाँ मैं जयपुर को करासी बनाने नहीं दूंगा, किसका किसका लाइसेंस है निकालो, हम देखने आया। मैं ये मुकुंद आसारिया बाबा जी को पास, एमएलए साहब को पास एक बार मैं पूछना चाहती हूँ, देखिए आप एमएलए साहब है कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको कुछ इन्वेस्टिगेशन करना है वो आपको आईन से करना पड़ेगा, आप नोटिस दो, आप खुद जाके कोई शॉप में से चिकन शॉप हो, आपको मटन शॉप हो, आप कहीं पर जाके खुद हाथ में आप नहीं ले सकता आईन, क्यों ये आईन कोई नहीं मानेगा। और एक बात है जो उनको साथ जो एला बेला चला है, आमचा समचा बेलचा गमचा है, जो जय श्री राम का नाम लेके पूरे दिन मतलब सुबह सूर्य उठने से सूर्य मतलब डूबने तक मतलब शाम तक जो जय श्री राम का नारा लगा के हमारा इंडिया का जो प्यार का मिट्टी है, जो एकता का मिट्टी है, जो भलाबसा का मिट्टी है, जो मतलब बंधन का मिट्टी है, जो राम रहीम का मिट्टी है, जो मिट्टी के लिए हम लोग हर टाइम गर्व करती थी, जो हमारा इंडिया बेस्ट इंडिया है। लेकिन 2014 से अभी तक 2023 साल है, दिसंबर महीना चल रहे, अभी हम लोग दुख करके कष्ट करके हम लोग को बोलना पड़ता है जो हम लोग कौन इंडिया में हम लोग बस कर रहे, हम लोग है किसने बोला मालूम है। देखिए एक एमएलए साहब उनको बहुत कुछ मानना पड़ता है, क्यों उनको बहुत भरोसा करके बहुत मतलब प्यार करके इंसान चुनाव में जिताता है, और उन्होंने ऐसा खुला मैदान में जाके पब्लिक प्लेस में जाके बोलेगा जे हम बाबा है लेकिन बवाल है, मिठाई में खाने नहीं आया, आंखों में आग ढाल के बात नहीं करना, हम कोई कुछ नहीं मानेगा और कोरासी तो नहीं बनाने दूंगा, उसका बाद हाथ में गोदा लेके हनुमान जी का गोदा लेके जय श्री राम को नारा लगा के जैसा
मतलब डोमेस्टिक वायलेंस जयपुर का विधानसभा में कर रहे बाल मोकन दासरिया बीजेपी का न्यू एमएलए। हम शर्मिंदा हूँ ये एमएलए सब का ऊपर में, जो आप तो एडुकेटेड है, मेरे को लगता है आप एक शिक्षित है, उसका बात आप साधु बाबा है, लेकिन बाबा का मुख में जब बवाल भाषा आता है तो पब्लिक तो आपको बसाल भी बोलेगा, बसाल तो जरूर बोलेगा, जो बसाल का काम कर रहे हैं आप। देखिए एमएलए हुआ कोई बात नहीं, लेकिन खुद को मत सोचना जो हमसे बड़ा कोई नहीं है। भारत का जो जनगण है ना, आप लोग को 2024 में इतना सरप्राइज देगा जो सरप्राइज मिनिमम 100 साल तक आप लोग को याद रहेगा। क्यों? हमारा 140 करोड़ जनगण जो है इंडिया में, कोई को भी एक भी नहीं सोचता है जो हम लोग का ये मिट्टी, हम लोग मतलब डोमेस्टिक वायलेंस करूं, हम लोग का मिट्टी का ऊपर में हम लोग लड़ाई करूं, हिंदू मुस्लिम हम लोग अलग हो जाओ, कभी कोई नहीं सोचता है। लेकिन 140 करोड़ का अंदर में 1 करोड़ जो छुटछाट है जनगण, जो हर टाइम एक धर्म को टारगेट करके, एक कम्युनिटी को टारगेट करके जैसे हेरेसमेंट कर रहे 2014 से, सचमुच बता रहे हैं जो हम लोग को बीच बीच में बहुत घिन लगता है। जो प्रभु रामचंद्र जी को तो हम लोग भी मानता है कि हम लोग भी तो हिंदू है, लेकिन प्रभु रामचंद्र जी को मानने के लिए किसी के साथ लड़ाई करके हाथ में हनुमान जी को गोदा लेके जय श्री राम का नारा लगा के, मतलब किसी को साथ लड़ाई करके किसी को दिल में दुख पहुंचा के कभी जय श्री राम का असली भक्त नहीं होता है, कोई नहीं होता है। मेरा एक बात है, जो जो मीटे मटन शॉप, जो चिकन शॉप है जयपुर में, जो एमएलए साहब बोला जो मैं कोई खुला कोई मटन शॉप कोई चिकन शॉप मैं करने नहीं दूंगा, सब मैं उठा दूंगा कि इनलीगली काम हम नहीं करने देगा, जरूर किसी को लाइसेंस ना रहे तो उसको पास आप जाके बोल सकता, लेकिन आप दादागिरी डॉनगिरी या गुंडागिरी नहीं दिखा सकता। आईन है, आप तो खुद आईन नहीं है, आप सोचोगे जो आप ही जज हो, आप सोचोगे आप ही आईन हो, आप सोचोगे आप ही सब कुछ हो, एक गलत बात है। इंडिया का जो हमारा आईन है उसको फॉलो करिए और ठीक से काम करिए। क्यों? इंसान बहुत भरोसा करके आपको चुनाव में वोट देके उन लोग इलेक्ट किया, उन लोग का दिल में आप दुख मत पहुंचाइए। मैं और नहीं कुछ बोलना चाहती हूँ, मैं एक ही बात बोलूंगा जे मेरा जो वीडियो है थोड़ा सबको पर शेयर कर देना, मेरा हिंदी इतना क्लियरिटी नहीं आता है, मैं बंगाली हो, लेकिन मैं कोशिश करके ये वीडियो मैं बनाया, आप लोग को आशीर्वाद, आप लोग को दुआ मेरा सिर पे रहे, तो मैं आगे जाके और भी मैं कोशिश करूंगा छोटा छोटा वीडियो बना के मतलब सोशल मीडिया में अपलोड करने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते, सबको नमस्कार, सलाम।